इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 30 जून के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1938 में बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्रों में शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था। उसके बाद सुपरमैन दुनिया भर के बच्चों का पसंदीदा किरदार बन गया। देश दुनिया के इतिहास में 30 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1868 में क्रिस्टोफर स्लेस ने टाइपराइटर के लिए पेटेंट अधिकार हासिल किया था। 1894 में आज ही के दिन लंदन में टावर ब्रिज को आम लोगों के लिए खोला गया था। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म आज ही के दिन 1903 में हुआ था। आज ही के दिन 1914 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी का निधन आज ही के दिन 1917 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव का जन्म आज ही के दिन 1934 में हुआ था। आज ही के दिन 1934 में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में विरोधियों का सफाया किया था। 1937 में आज ही के दिन दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में जारी किया गया था। आज ही के दिन 1938 में बच्चों का पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स में नजर आया था। 1947 में आज ही के दिन भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 1960 में अमेरिका ने क्यूबा से चीनी का आयात बंद करने का फैसला किया था। 1966 में आज ही के दिन अमेरिका का पहला महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन का गठन किया गया था। अमेरिका के बॉक्सर और एक्टर माइक टायसन का जन्म आज ही के दिन 1966 में हुआ था। श्रीलंका के प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी सनत जयसूर्या का जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी थी। 2002 में आज ही के दिन ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 2005 में स्पेन ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। 2007 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय लिया था। आज ही के दिन 2008 में रविकांत उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2008 में आज ही के दिन रॉबर्ट मुगाबे ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।